हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तीन अंकीय संख्या का गुणा पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पहला एग्जांपल 743 गुणा 45। अब हम लिखेंगे 743 गुणा 45। अब हम दशक के स्थान पर से जब गुणा लिखेंगे तो पहले हम 0 नीचे लिख लेंगे। अब हम 4 का 3 के साथ गुणा होगा 12। 12 में से 2 को हम नीचे लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 4 और 4 का गुणा होगा 16। 16 और 1 का जोड़ होगा 17। 17 में से 7 को हम नीचे लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 4 और 7 का गुणा होगा 28। 28 और 1 का जोड़ होगा 29। आगे देखेंगे एकम के स्थान पर से 5 का 3 के साथ गुणा होगा 15। 15 में से 5 को हम नीचे लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। अब हम 5 का 4 के साथ गुणा लेंगे 20। 20 और 1 का जोड़ होगा 21। 21 में से 1 को हम नीचे लिखेंगे और 2 हो जाएगा हमारा कैरी। 5 और 7 का गुणा होगा 35। 35 और 2 का जोड़ होगा 37। 37 हम नीचे लिखेंगे। अब हम नीचे की दोनों संख्याओं का जोड़ लेंगे तो 0 और 5 का जोड़ होगा 5, 2 और 1 का जोड़ होगा 3, 7 और 7 का जोड़ होगा 14, 14 में से 4 को हम नीचे लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 1 और 9 का जोड़ होगा 10, 10 और 3 का जोड़ होगा 13, 13 में से हम 3 को नीचे लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 1 और 2 का जोड़ होगा 3। इस तरह हमारा आंसर हो गया 33,435। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 453 गुना 28। 453 गुना 28 को हम इस तरह लिखेंगे। जब हम दशक के एकम के स्थान पर से गुणा लिखेंगे तो हम 0 नहीं लिखेंगे। तो अब हम गुणा 8 का 3 के साथ होगा 24। 4 को हम नीचे लिखेंगे और 2 हो जाएगा हमारा कैरी। 8 का 5 के साथ गुणा होगा 40। 40 और 2 का जोड़ होगा 42। 42 में से 2 को हम नीचे लिखेंगे और 4 हो जाएगा हमारा कैरी। 8 का 4 के साथ गुणा होगा 32। 32 और 4 का जोड़ होगा 36। अब हम दशक के स्थान 2 के साथ गुणा लिखेंगे। 2 और 3 का जब हम दशक लेंगे तो दशक के स्थान पर से हम नीचे 0 लिखेंगे। अब 2 का 3 के साथ गुणा होगा 6। 2 का 5 के साथ गुणा होगा 10। 10 में से 0 को हम नीचे लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 2 का 4 के साथ गुणा होगा 8। 8 और 1 का जोड़ होगा हमारा 9 यानी 9। तो अब हम नीचे की दोनों संख्याओं का जोड़ लेंगे। 4 और 0 का जोड़ होगा 4। 2 और 6 का जोड़ होगा 8। 6 और 0 का जोड़ होगा 6 और 3 और 9 का जोड़ होगा 12। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 12,684। तीसरा एग्जांपल लेते हैं 432 गुना 26। अब हम लिखेंगे 432 गुना 26, इस तरह लिख लेंगे। अब हम दशक के स्थान पर से जब हम
गुणा करेंगे तो हम जीरो नीचे लिखेंगे। टू का टू के साथ गुणा होगा फोर, टू का थ्री के साथ गुणा होगा सिक्स, टू का फोर के साथ गुणा होगा एट। अब हम एकम के स्थान वाला सिक्स के साथ गुणा लिखेंगे, सिक्स का टू के साथ गुणा होगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से टू को हम नीचे लिखेंगे और वन हो जाएगा हमारा कैरी। सिक्स और थ्री का गुणा होगा एटीन, एटीन और वन का जोड़ होगा नाइनटीन, नाइनटीन में से हम नौ को नीचे लिखेंगे और वन हो जाएगा हमारा कैरी। सिक्स और फोर का जोड़ गुणा होगा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर और वन का जोड़ होगा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव को हम नीचे लिखेंगे। अब हम दोनों संख्याओं का जोड़ लेंगे, जीरो और टू का जोड़ होगा टू, फोर और नाइन का जोड़ होगा थर्टीन, थर्टीन में से थ्री को हम नीचे लिखेंगे और वन हो जाएगा हमारा कैरी। वन और सिक्स का जोड़ होगा सेवन, सेवन और फाइव का जोड़ होगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से टू को हम नीचे लिखेंगे और वन हो जाएगा हमारा कैरी। एट और वन नाइन और टू यानी इलेवन, इस तरह हमारा आंसर हो गया 11,232। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, 504 गुना 76, 504 गुना 76 इस तरह हम लिख लेंगे। अब हम जब एकम के स्थान पर से गुणा करेंगे तो हम जीरो नहीं लिखेंगे, तो सिक्स का फोर के साथ गुणा लिख लेंगे, फोर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में से फोर को हम नीचे लिखेंगे और टू हो गए हमारा कैरी। सिक्स का जीरो के साथ गुणा होगा जीरो, जीरो और टू का जोड़ होगा हमारा टू, टू को हम नीचे लिख लेंगे। सिक्स का फाइव के साथ गुणा होगा हमारा थर्टी, थर्टी को हम नीचे लिखेंगे। अब हम एकम के स्थान दशक के स्थान पर से जब हम गुणा लिखेंगे तो हम जीरो को नीचे लिखेंगे। सेवन का फोर के साथ गुणा होगा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट में से एट नीचे लिखेंगे और टू हो गए हमारा कैरी। सेवन और जीरो का गुणा होगा हमारा जीरो, जीरो और टू का जोड़ होगा टू, टू को हम नीचे लिखेंगे। सेवन और फाइव का जोड़ होगा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव हम नीचे लिखेंगे। अब हम दोनों संख्याओं का जोड़ लेंगे, फोर और जीरो का जोड़ होगा फोर, टू और एट का जोड़ होगा टेन, टेन में से हम जीरो को नीचे लिखेंगे, वन हो जाएगा हमारा कैरी। वन और टू का जोड़ होगा थ्री, थ्री और फाइव का जोड़ होगा एट और थ्री को हम नीचे लिखेंगे। इस तरह हमारा आंसर हो गया 38,304। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही हमारे अगले वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।